जिस सरकार ने 14 लाख प्रति वर्ष रोजगार की बात की थी, आज अगर देखा जाए तो 56 लाख के सापेक्ष मात्र 4 लाख रोजगार यह सरकार दे पाई है, 4 लाख। और हालत और आयाम यह है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें तमाम भर्तियों के पेपर आउट होने की शिकायत और तमाम मीडिया के साथियों ने उसको प्रकाशित करने का काम किया। यूपीएससी के पेपर आउट हुए जिसमें 50 से 60 लाख रुपए में नियम बनाए गए, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह पिछड़े और दलितों के साथ धोखा करने का काम किया इस सरकार ने। इतना ही नहीं, पेपर आउट चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती, कांगो भर्ती या जो वीडियो की भर्ती हुई, उस भर्ती यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उसकी भी भर्ती के नियुक्ति प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं किए इस सरकार ने। जो बेरोजगारी का दर है उत्तर प्रदेश का लगभग 9.7% से अधिक, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में 45 सालों के बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा दर आज देश के पैमाने पर है। जिन छात्रों ने रोजगार को लेकर सड़क पर संघर्ष किया, सरकार ने उन्हें लाठी डंडों से पीट कर जेल की सलाखों में डालने का काम किया। आज भी 103 छात्र जो इलाहाबाद में आंदोलन किए थे, जिसमें उनके ऊपर मुकदमे हुए, सिर्फ उनका एक यही गुनाह था कि उन्होंने रोजगार को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया था। जितने भी होमगार्ड, चौकीदार, जितने लोगों को विनिंदीकरण की बात इस सरकार ने की थी, इस सरकार ने चाहे रोजगार सेवक हुए, शिक्षा मित्र हुए, उनके साथ इस सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है।